नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ के शतक और ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी पारियों की बदौलत 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 389 रन बोर्ड पर लगा दिए। जवाब में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने 89 और केएल राहुल ने 76 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 348 रन ही बना सकी और 51 रनों से मुकाबला हार गई। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इस वीडियो में हम उन 4 कारणों पर नजर डालेंगे जिनकी वजह से टीम इंडिया को इतनी करारी हार दूसरे वनडे मुकाबले में मिली है, जिसके साथ टीम इंडिया सीरीज भी अब गंवा चुकी है। पहला कारण रहा एक बार फिर गेंदबाजी। जी हां, लगातार दूसरे वनडे में टीम इंडिया की गेंदबाजी नहीं चली। ना तो तेज गेंदबाज चले और ना ही स्पिनर्स, सबकी जमकर धुनाई हुई। बुमराह ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 89 रन दिए और सिर्फ एक विकेट हासिल कर पाए। शमी भी 9 ओवर में 73 रन लुटा बैठे। इसके अलावा नवदीप सैनी तो 7 ओवर में ही 70 रन लुटा चुके थे। रविंद्र जडेजा ने भी 10 ओवर में 60 रन दिए, वहीं युजवेंद्र चहल ने 9 ओवर में 71 रन लुटाए। हालांकि आज इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन देकर एक विकेट जरूर हासिल किया। टीम इंडिया की गेंदबाजी कितनी लचर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विराट कोहली ने मयंक अग्रवाल तक से गेंदबाजी कराई थी। मैच का दूसरा कारण फील्डिंग में टीम इंडिया का एक बार फिर लचर प्रदर्शन। जी हां, इस मुकाबले में भी टीम इंडिया की फील्डिंग औसत दर्जे की रही। टीम ने कई मौकों पर कैचेस टपकाए, इसके साथ साथ बाउंड्रीज भी जमकर लुटाई। हार का तीसरा कारण रहा एक बार फिर बल्लेबाजी। आपको बता दें, टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने 58 रनों की शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा जब टीम कर रही हो तो टीम को 58 रनों से काम नहीं चलता। इसके बाद 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरे। हालांकि विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन श्रेयस अय्यर भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि जब तक विराट कोहली क्रीज पर थे, लग रहा था टीम मैच में बनी हुई है। चौथा और अंतिम कारण, निचले क्रम के बल्लेबाजों का भी योगदान नहीं देना। जी हां, केएल राहुल ने इस मुकाबले में 66 गेंदों पर 76 रन जरूर बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा ने कोशिश तो जरूर की, लेकिन बड़े लक्ष्य के दबाव में जल्द ही टूट गए। तो ये थे वो 4 कारण जिसकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी करारी हार दूसरे वनडे में मिली और इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज भी गंवा दी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।